स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर करेंगे पूरे लुसेंट बेसिस सेट नंबर 28 ओमेगा स्टडी के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 50 तक, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया आप लोग को लुसेंट बेसिस है, जैसा कि आप जानते हैं ये इतिहास से प्रश्न है। इसमें इतिहास, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और मिसलेनियस का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे पूछा गया है राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आने वाला राजा कौन था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुबारक खिलजी, ठीक है, मुबारक खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेके खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से खलीफा की उपाधि धारण की थी किसने, ठीक है। तो खलीफा का उदाहरण किसने, खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी, मुबारक खान ने की थी, ठीक है। मुबारक खान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था इसका, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है क्वेश्चन नंबर 4 की स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु किस राजा को कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को, MBT इसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेके यहाँ पे 5 नंबर पूछा गया है रहेला किसकी पुस्तक है, तो रहेला इबन बतूता की पुस्तक है, ठीक है, इबन बतूता की पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आप लोगों से है विजयनगर की स्थापना किसने की, तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, आप लोग को याद होगा पीछे भी कराया गया है हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है कि सल्तनत काल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके पास था, ठीक है। तो सबसे अधिक दासों की संख्या जो है किसके पास था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक इसके पास सबसे अधिक तुगलक, सॉरी यहाँ पे तुगलक तुगलक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की पूछा है तैमूर लंग के समय किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो नासिर उद्दीन मोहम्मद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है क्वेश्चन नंबर 9 की बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहमनी वंश का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, क्या था, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है क्वेश्चन नंबर 10 कि तुगलक वंश का सत्र क्या था, ठीक है। तो तुगलक वंश का सत्र था 1320 से 1398, ठीक है, याद रखिएगा, सत्र पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर पूछा गया है जो कि ज्योग्राफी से प्रश्न है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा CO2 गैस जो है उत्तरदायी गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर पूछा गया है वायुमंडल में सबसे निजी परत को क्या बोलते हैं, तो क्षोभ मंडल कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से 13 नंबर कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितनी होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर और ध्रुव पर होता है 8 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में घटती है, तो क्षोभ मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से 15 नंबर कि क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे संवहन मंडल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है वायुयान की आदर्श मंडल कौन सी है, वायुयान उड़ने के लिए आदर्श जो है, सॉरी यहाँ पे ऊपर को क्वेश्चन एक छूट गया है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, तो आप लोग याद रखिए समताप मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे पूछा क्या गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वायुयान की आदर्श मंडल, वायुयान उड़ने के लिए आदर्श मंडल कौन सा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ठीक है, समताप मंडल आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ओजोन मंडल की ऊंचाई क्या है, तो देखिए समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है, बट इसकी ऊंचाई क्या है, 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो इसे ओजोन मंडल को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह पराबैंगनी किरण को आने से रोकती है पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर की बिग पशु थ्योरी किसने दिया था, ठीक है, तो बिग पशु थ्योरी याद रखिएगा आप लोग R. Rondon ने दिया था, R. Rondon, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो छूट गया है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग नागपुर का नाम, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया क्या है, पूछा गया है भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है,
सॉरी ऊपर में एक क्वेश्चन छूट गया, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, याद रखिएगा भारत में कौन सा, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया था, तो 1972-73 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा महाराष्ट्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर, और इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बिल्कुल सही दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 27 नंबर कि भारत राज्य का कौन से अनुच्छेद में स्थित है, मतलब भारत जो है राज्य है या कौन से अनुच्छेद में है, तो फर्स्ट अनुच्छेद में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर पूछा है, भारत में राज्य बनाने का प्रावधान किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद नंबर 3 से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 29 नंबर, किसी का भी जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप लोग जानते हैं ये अनुच्छेद 5 में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर, और पूछा गया यहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग ये अनुच्छेद 53 में वर्णित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सा है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यह वर्णित है, ठीक है, तो ये वर्णित है अनुच्छेद 64 में, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे फिजिक्स से क्वेश्चन है और सब टेक्निकल क्वेश्चन है, 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 फुट बराबर कितना होता है, तो 1 फुट बराबर होता है 0.3 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा गया है 1 गज बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा आप लोग 1 गज बराबर होता है 0.91 किलोमीटर, सॉरी मीटर, क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 फैदम बराबर कितना होता है, तो 1 फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर, ठीक है। और 37 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 1 चैन बराबर कितना होता है, तो 1 चैन बराबर होता है 20.11 किलोमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर मिसलेनियस से क्वेश्चन है, पूछा गया यहाँ पर सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बुर्ज खलीफा, क्या याद रखना है, बुर्ज खलीफा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 39 नंबर, सबसे लंबी दीवार कहाँ है, तो सबसे लंबी दीवार कहाँ है, सबसे लंबी दीवार है आप लोग जानते हैं चीन का दीवार, ठीक है। और इसका यदि आप ऑडियो सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आप खबरी ऐप लोड कर लीजिएगा, ठीक है, खबरी ऐप लोड करके वहाँ पे हम लोग जो चैनल अभी देख रहे हैं आप ओमेगा स्टडी, वहाँ भी सर्च कीजिएगा और उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ प्रत्येक दिन आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो मानसिनराम मेघालय, ठीक है, भारत में स्थित है, आप लोग जानते हैं ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया 41 नंबर, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, तो खालिद हवाई अड्डा, याद रखिएगा सऊदी अरब में, ठीक है, खालिद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पूछा गया है सबसे बुद्धिमान पशु कौन है, तो चिंपांजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं चिंपांजी ये सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, बिल्कुल मनुष्य की तरह नकल कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 44 नंबर कि सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर, याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर पूछ लेता है क्वेश्चन, ये कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है, सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है, तो सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है, तो आप याद रखिएगा ब्रिटिश संग्रहालय जो कि लंदन में है, ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो पूछेगा तो लंदन में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया आप लोगों से विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो माइकल फेल्प को जाना जाता है, माइकल फेल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा क्या गया है सुपर मॉम किसका उपनाम है, तो मैरी कॉम का उपनाम सुपर मॉम है, मैरी कॉम, छाछा बच्ची की माँ है ये, ठीक है, फिर भी अच्छा सा बॉक्सिंग कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, यहाँ पे बंगाल टाइगर का उपनाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा सौरभ गांगुली को, ठीक है, सौरभ गांगुली को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया लाइटिंग किंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो विश्वनाथ आनंद को, ठीक है, विश्वनाथ, क्या खेलते हैं ये, तो ये खेलते हैं चेस, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खबरी ऐप को सुनना जरूर चाहिएगा, ठीक है, बोलना नहीं है आप लोगों को, खबरी अपलोड करके उसे सुनना है, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।